हेलो गाइस, स्वागत है आपका जियो मस्ती में। तो गाइस हैप्पी दशहरा सभी को। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे कि एक रावण को किस तरह बनाया आर्टिफिशियल और किस तरह उसको स्टैंड किया, खड़ा किया। तो गाइस इसी वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। लेकिन जो अब रावण जला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही तरीके से जला रहे हैं और कौन से व्यक्ति उसको जला रहे हैं, ये भी देखो। समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। राम था सातों वेद ज्ञान, बिल्कुल सच्चा इंसान, कोई भी मतलब बिल्कुल साफ, हर तरीके से बिल्कुल साफ। और वो इंसान अब कलयुग में मिलना असंभव है। तो गाइस आप आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रावण को बनाया और किस तरीके से उसको स्टैंड किया। कंप्लीट वीडियो इसी वीडियो में देख। तो गाइस देखो ये लोग कितने ईमानदारी से काम करते हुए। हेलो सरपंच, तो ये देखो, और इसको देखो नीचे से लगाएंगे और थोड़ी बार में देखना, थोड़ी कुछ ही समय बाद देखना है। और ये पिकअप है ना, ये इसके नीचे लगाएंगे, फिर इसको स्टैंड किया जाएगा। अब मैंने जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे उनसे एक भाई से पूछा कि भाई इसमें कितना एक्सपेंसिव हुआ, पता है उसने क्या बोला? 40,000 रुपये इसके ऊपर अब तक खर्च हो चुके हैं। तो गाइस आप देखो 40,000 रुपये अब यानी वेस्ट ही जाएंगे वे, तो 1% भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होएगा। और जो इसके अंदर जो ये रावण बना रखा है, देखो अंदर से तो ये बिल्कुल खाली है, और अंदर लगा रखे हैं इसके बहुत सारे पटाखे। लेकिन वीडियो में अच्छे तरीके से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं दिखाने के लिए ट्राई करूँगा। और आखिरकार इसको खड़ा कर दिया, तो इस तरीके से दिख रहे हैं दोस्तों, और सनलाइट भी अच्छी आ रही है। थैंक यू। हमारी खत्म हो चुकी है दोस्तों। आपने देख लिया कि एक रावण को किस तरीके से उसको स्टैंड किया और उसका दहन भी कर दिया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो कल का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।